हेलो, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। तो आज मैं फिर क्लास 12 का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ गया हूँ। टॉपिक का नेम है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, यानी सब्सक्रिप्शन से इनकम निकालना है। ऐसा क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा ऊपर में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। क्या लिखिएगा आप? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लिखिएगा। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है उसको सबसे ऊपर में लिखिएगा। इसके बाद चार पॉइंट नोट करो, चार पॉइंट को माइंड में नोट कर लो आप, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा। पहला पॉइंट प्लस आउटस्टैंडिंग इंड। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इंड ऑफ द ईयर हो, एट द एंड ऑफ द ईयर हो, तो उसे क्या करते हो आप? प्लस करते हो। याद कर लो, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हो तो प्लस किया जाता है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर है, साल के शुरू का अगर आउटस्टैंडिंग हो उसे माइनस करते हो, और साल के अंत का अगर आउटस्टैंडिंग हो तो उसे क्या करते हो आप? प्लस करते हो। याद कर लेना, पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसके बाद अब आते हैं एडवांस। अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन हो तो प्लस किया जाता है एडवांस बिगिनिंग। याद कर लो आप, अगर एडवांस हो सब्सक्रिप्शन तो बिगिनिंग प्लस किया जाता है, और अगर एडवांस इंड हो तो क्या किया जाता है? माइनस। ये चीज़ याद कर लेना आप। आउटस्टैंडिंग, इधर आइए, आउटस्टैंडिंग इंड प्लस होता है और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या होता है? माइनस। एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है और एडवांस इंड क्या होता है? माइनस। ये चार पॉइंट आप नोट कर लो, निकल जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7.1a क्या है? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से आय निकालना है। क्या क्या है क्वेश्चन में? फॉर द ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सपो एक्सपोर्ट्स क्लब। क्लब का निकालना है, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ एक्सपो एक्सपोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर 2018। ये रहेगा, और उस चार पॉइंट को नोट कर लो। क्या मैंने आपको बार बार बताया, आउटस्टैंडिंग इंड ऑफ द ईयर, साल के अंत का आउटस्टैंडिंग प्लस करोगे। याद कर लो आप, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग साल के शुरू का होगा तो क्या करोगे? माइनस। आउटस्टैंडिंग और एडवांस होगा तो बिगिनिंग क्या होता है? प्लस, और इंड क्या होता है? माइनस। ये चार पॉइंट आप नोट कर लो। कोई भी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकाल लोगे, फटाक से बना लो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5000। बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आप ऊपर में मैंने क्या बताया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। देखो तो क्वेश्चन में दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20000, तो सबसे ऊपर में लिखिएगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा? 20000, सबसे ऊपर में लिखिएगा। अब मैंने चार पॉइंट बताया आपको। क्या क्वेश्चन में देखिएगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस है, ये एडवांस। मैंने क्या बताया आपको? एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है, इंड क्या होता है? माइनस। अब आइए यहाँ पे 18 का बनाना है। कब का बनाना है? 18 कब इंड होगा? 31 दिसंबर को। स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी को। तो क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी दिया है, तो इसको क्या मानिएगा? बिगिनिंग। अगर 31 दिसंबर दिया रहता तो इंड मानते आप, 1 जनवरी दिया है तो बिगिनिंग है, और क्या है? एडवांस है। तो एडवांस बिगिनिंग क्या होता है? प्लस होता है। मैंने बताया आपको, लिखिएगा यहाँ पे एट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 जनवरी 2018 का कितना? 5000। यह प्लस हो जाएगा बेटा। फिर देखो आप, इकतीस दिसंबर 18 मतलब क्या? इंड। जहाँ भी 31 दिसंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? इंड। 18 का बना रहे हो तो 31 दिसंबर 18 का हो जाता है, इंड हो जाता है। क्वेश्चन में देखो आप, सब्सक्रिप्शन एडवांस इंड क्या है? 2000। तो एडवांस इंड क्या होता है बेटा? माइनस। यहाँ लिखो आप, लेस
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2018 कितना है 2000, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए फिर देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000। क्वेश्चंस में बेटा डेट का जिक्र नहीं है, अगर डेट का नहीं जिक्र है तो क्या मानते हो आप, आउटस्टैंडिंग इन मानते हो, नोट करो आप। अगर क्वेश्चंस में कोई डेट नहीं दिया है, ओनली आउटस्टैंडिंग दिया है, तो क्या मानोगे, इन मानोगे, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो आउटस्टैंडिंग इन क्या होता है, प्लस होता है, 5000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20000 25 और 5 30000 प्लस हो जाएगा, 2000 माइनस हो गया, ये जो 28000 आ गया, यहाँ लिखोगे आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 2018 व्हिच इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी सेवे में, इसी परफॉर्मा में आप कभी भी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए देगा बेटा, तो इसी परफॉर्मा में बना दीजिएगा। और इस टाइप का जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, मेरी गारंटी है कि आप जरूर बना लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का ए बेटा बता दिया आपको मैं, अब 7 का बी अब आपके ऊपर है, आप बनाइए। 7 का बी मैं आपको छोड़ दिया बनाने के लिए, आप बनाओ अपने से, और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सी देखते हैं। 7 का सी क्या है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2015 फॉर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो सबसे पहले बेटा क्या ढूंढना है हमको, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट ढूंढना है। सब्सक्रिप्शन रिसीप कितना हो गया ड्यूरिंग द ईयर, 31400 दिया है क्वेश्चन में, 31400 लिखिएगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा, 1 जनवरी 15 मतलब क्या, 31 दिसंबर का बना रहे हो तो जनवरी मतलब क्या, बिगनिंग होगा, अगर बिगनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस, और इंड होगा एडवांस होगा तो प्लस। यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग क्या होता है, माइनस, और एडवांस बिगनिंग क्या होता है, प्लस, 13400 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब 31 दिसंबर 15 है, क्या है, इंड है, इंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस होता है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, माइनस। अब इसको प्लस करके, ये दोनों प्लस करके यहाँ शो कर दो, ये दोनों प्लस करके दिखाओ, और इसको दोनों प्लस करके यहाँ दिखाओ, और इसमें से माइनस कर दो, आ गया आंसर, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का भी बेटा, जरूर बना लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आते हैं सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 का डी देखो बेटा, क्या है 7 का डी, 7 का डी देखते हैं, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से ध्यान दिखिएगा आप, ये सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बनाने के लिए, अब अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान दो, मैंने तो अभी स्टेटमेंट में बताया था, किसमें बताया था, स्टेटमेंट में आपको बताया था। आप इसी पार्ट को, इसी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले लिखिएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये डेबिट किसी भी अकाउंट का, ये साइड डेबिट होता है, ये साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। अब आइए देखो, मैंने उसमें सब टोटल सब्सक्रिप्शन निकालते समय कितना आइटम था, 5, पहला था सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे लिखेगा, भाई कैश के नाम से, किसके नाम से, कैश के नाम से, किसके नाम से, कैश या बैंक के नाम से, याद कर लो आप, ऊपर में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, उसको क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय कैश या बैंक के नाम से। इसके बाद दो दो जोड़ा जाता है, क्या क्या जोड़ा जाता है, आउटस्टैंडिंग इंड और एडवांस बिगनिंग, जो प्लस करने वाले आइटम को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में, और माइनस वाले आइटम को कहाँ दिखाए जाते हैं, डेबिट। बन गया क्वेश्चन, यही सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। अगर अकाउंट में कहेगा बनाने के लिए तो इसी परफॉर्मा में आप बनाइएगा, और स्टेटमेंट में कहेगा बनाने के लिए जो मैंने पहले बताया था उस परफॉर्मा में आप बनाइएगा। तो सबसे पहले आप, सबसे पहले यहाँ लिखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट को बाई बैंक या बाई कैश, जो दोनों आइटम ऐड किए जाते हैं उसको क्रेडिट में दिखाना है, और जो आइटम दोनों माइनस किए जाते हैं उसको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट में। बस अब क्वेश्चन देखो आप, क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर को 13 का बनाना है, कब का बनाना है, 13 का, और ये दिसंबर 12 का दिया है, क्या है, बिगिनिंग है, 13 का बनाना है और 12 का दिया है दिसंबर का, तो क्या है, बिगिनिंग है,
13 दिसंबर इन हो रहा है ना, तो 12 का दिया है कि दिसंबर 12 का, तो बिगनिंग है और ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है। क्या होते हैं? माइनस होता है। तो कहाँ देखाओगे आप? डेबिट में। कहाँ देखाओगे आप? डेबिट में 6000। फिर नेक्स्ट आइटम, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, ये भी बिगनिंग है। एडवांस बिगनिंग क्या होता है? 12 का प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला आइटम को कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट में। कहाँ दिखाते हो बेटा? क्रेडिट में। आप फिर देखो, आप सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस दिसंबर 13 का है। 13 मतलब क्या? इंड। इंड एडवांस क्या होता है? माइनस। माइनस वाले आइटम को कहाँ दिखाते हो? डेबिट में दिखाओ आप। कहाँ दिखाओगे आप? डेबिट में। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 13 इंड है। इंड क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस वाला आइटम को कहाँ दिखाते हो आप? क्रेडिट साइड में। दिखाओ क्रेडिट साइड में। इसके बाद अंत में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 71,700, उसको क्या लिखोगे आप? बाय बैंक या बाय कैश 71,700। अब ये तीनों प्लस करोगे इतना आएगा। इसी आइटम को यहाँ लिखिएगा, इसी अमाउंट को यहाँ दिखाइएगा। अब इसमें से दोनों को माइनस कर दीजिएगा, जो बचता है वो कहाँ चल जाएगा? ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट और स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं है, बट अंतर है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में बनाना है, प्लस माइनस करना है। इसमें क्या है? कुछ किसी भी अकाउंट्स में क्या रहता है, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। तो जब क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहे बनाने के लिए, तो अकाउंट के परफॉर्मा में बनाओ, और कहेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए, तो स्टेटमेंट के परफॉर्मा में बनाओ आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, आप आइए एट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, वही चीज़ है, स्टेटमेंट में बनाना है। 18 का बनाना है। कब का बनाना है बेटा? 18 का बनाना है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकाले, ऊपर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। नोट कीजिएगा आप, क्या पहला दिया है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में। देखो आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 20,000। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ दिया है बेटा? हाँ, यहाँ दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 इज 20,000। 20,000 ऊपर में लिखोगे। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना बेटा? 20,000। अब देखो कौन सा आउटस्टैंडिंग इंड है, कौन सा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, कौन सा आउटस्टैंडिंग एडवांस इंड है और एडवांस बिगनिंग, यही तो करना है। आगे देखो, आप क्वेश्चन में दिया है कि 1 जनवरी 2018 का बिगनिंग हो जाएगा। बिगनिंग याद कर लो, जनवरी का 18 का बिगनिंग। एडवांस बिगनिंग क्या होता है? प्लस होता है 5,000। 5,000 क्या करोगे बेटा? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। नोट करो आप, प्लस करोगे। आगे चलिए, फिर दिया है कि 31 दिसंबर 2018 इंड है। सब्सक्रिप्शन एडवांस 2,000 क्या होता है बेटा? माइनस। 2,000 क्या हो जाएगा? माइनस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 20,000। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये आइटम दिया है, एक आइटम ये, एक आइटम ये, 30,000, 2,000 और 5,000। और नीचे दिया है देयर आर 300 मेंबर्स इन द क्लब इज पेइंग ₹100 पर एनम। ये तो आंसर दे दिया आपका। इस क्लब में 300 मेंबर हैं और पर मेंबर एनुअली वार्षिक रूप से ₹100 देते हैं। तो 300 मेंबर ₹100 देते हैं, तो 300 × 100 कितना हो जाएगा? 30,000। यही सब्सक्रिप्शन आंसर आपका दे दिया। क्या दे देगा आंसर? अब क्वेश्चन बनाना कैसे, देखो आप कैसे बनाओगे आप? मैंने जिस परफॉर्मा में आपको बनाया था उसी परफॉर्मा में कीजिएगा। ये 2,000 माइनस दिया है और 5,000 क्या किया बेटा? प्लस किया है। अब नोट कीजिएगा, इसी परफॉर्मा में बनाना है, ये वर्किंग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आप, ये टोटल 300 × 100 मेंबर, टोटल आंसर आपका अवेलेबल है 30,000। टोटल सब्सक्रिप्शन ही इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होता है, यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आंसर दे दिया आपका 300 × 100, 30,000 यहाँ लिखो। अब क्वेश्चन में दिया है कि 20,000 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ना रिसीव, 5,000 ऐड करना है, टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 25,000। नोट कीजिएगा, और 2,000 माइनस कीजिए, किया है, कितना आएगा आपका? 23,000 आया। और आंसर कितना दिया है? 30,000। यानी टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 30,000। और मैंने प्लस और माइनस किया तो कितना आया? 23,000। अब 23,000 में कितना हम ऐड करेंगे 30,000 आएगा?
कितना ऐड करेंगे, 7000। तो ऐड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इंड होता है, यानी इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग इंड मिसिंग है, आपको निकालना है। अगर प्लस करना है तो ये आ जाएगा, और माइनस करेगा तो एडवांस आ जाता है। तो 23000 में कितना हम ऐड करेंगे कि 30000 आएगा, कितना ऐड किए हैं, 7000। यही 7000 आउटस्टैंडिंग इंड हो जाएगा। अब इसको वर्किंग नोट्स ये दिखाया है 7000 कैसे आया है, इसको यहाँ नोट कर दोगे बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, यही चीज बनाना है, सेम बेटा बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। वही आउटस्टैंडिंग निकालना है जो पिछला बताया, वही क्वेश्चन है। बस यहाँ देखिए कैसे बनाइएगा आप, परफॉर्मा में बना दिया है। अब देखो बस कितने आइटम आपके पास, 5 आइटम चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखिए आप सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, नोट कीजिएगा। इसमें आउटस्टैंडिंग इंड प्लस करते हो और एडवांस बिगिनिंग क्या करते हो, प्लस, नोट कीजिएगा। फिर माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और माइनस करते हैं एडवांस इंड, अब जो आता है वह टोटल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको परफॉर्मा में, इसी परफॉर्मा में बता देता हूँ, ये आप बना लीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन देखो, एक क्लब के पास 250 मेंबर हैं, और जो एनुअली कितना देते हैं, 1000। क्लब के पास 250 मेंबर हैं और एक मेंबर 1000 देते हैं एनुअली, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, 2.5 लाख। यानी 2.5 लाख आपका आंसर पता है, 2.5 लाख यहाँ लिखिएगा, टोटल में 2.5 लाख मैंने लिखा हुआ है, 2.5 लाख ये टोटल में लिखिएगा, कितना, 2.5 लाख। ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस परफॉर्मा में बना सकते हैं, और जो मैं बना रहा हूँ उसी परफॉर्मा में बना सकते हो। ये 2.5 लाख नीचे लिख दीजिएगा, लिख लिया आप लोगों ने, आगे चलिए। फिर देखो आप, द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग शो ए 2,05,000 रिसीव, कितना रिसीव है सब्सक्रिप्शन, 2,05,000। सबसे ऊपर लिखते हैं 2,05,000, लिखते हैं ना बेटा 2,05,000। आगे द फॉलोइंग एडिशन इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18, कब का बना रहे हो बेटा, ये बन रहा है 18-19 का है, 18 और 19 कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होगा, और 31 मार्च 2019 को इंड होगा। तो 18-19 का देगा, तो 18 क्या हो जाएगा बिगिनिंग, और 19 क्या हो जाएगा इंड, तो 18 का दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18 का 40,000, ये क्या है, बिगिनिंग है, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, माइनस, यहाँ सेट करो -40,000 सेट कर दो, या इस परफॉर्मा में बनाइएगा या इस परफॉर्मा में बनाएगा, यह परफॉर्मा इजी हो जाएगा। आगे चलिए, फिर देखिए आप सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है बेटा, 19 का है, इंड है, एडवांस इंड 30,000 क्या होता है, माइनस, एडवांस इंड क्या होता है बेटा, -30,000, नोट कीजिएगा -30,000। आगे चलते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस 18 का है, बिगिनिंग है, बिगिनिंग क्या होता है, प्लस होता है, आउट एडवांस बिगिनिंग क्या होता है, प्लस। अब देखो बेटा ध्यान से, आप इसमें इसको प्लस करो, 2,05,000 में 12, देखिए यहाँ एक मिसिंग आइटम है, यही निकालना हमको, 2,05,000 यहाँ कैलकुलेशन करते हैं बेटा, 2,05,000 में 12,000 प्लस कर दो आप, कितना आ गया, 2,17,000 आ गया। अब 2,17,000 में ये 40 और 30 कितना होता है, 70,000, अब माइनस कर दो 70,000, तो 0,0,0 ये 7 क्या हो जाएगा बेटा, 147। एक इसको प्लस माइनस करने पर 1,47,000 आया, 147। अब कितना लाना है, 2,50,000, तो 1,47,000 में कितना प्लस करेंगे, क्योंकि केवल प्लस आइटम मिसिंग है, अगर माइनस करने के लिए आता तो कौन सा आइटम मिसिंग आता, माइनस आइटम। अब इसमें प्लस वाला आइटम मिसिंग है तो प्लस करना है, 1,47,000 आया टोटल प्लस माइनस करने से। अब आपको लाना है कितना, 2.5 लाख आपका अवेलेबल है, 2.5 लाख एक साल का है, तो 1,147 में कितना प्लस को करोगे कि 2.5 लाख आएगा, 1,03,000, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1,03,000। अब 1,03,000 यही हम शो किया है, ऐसे देखा है बेटा, आउटस्टैंडिंग निकालना है, लेकिन आपको ऐसे भी बना सकते हो एग्जामिनेशन में, कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? बेटा वही क्वेश्चन सेम है, देखो आप ध्यान से क्या है क्वेश्चन नाइन भी यही चीज़ है, सेम चीज़ है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्री क्लब फॉर द ईयर निंग इतना सो दैट सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना है बेटा? 25,000। यहाँ पर लिखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 25,000। आराम से बनाना है, ये बनाना है बेटा 19 का। ये 18 क्या है? आउट स्टेशन बिगनिंग है। ये बिगनिंग क्या होता है? 5,000 माइनस क्या होता है? माइनस होता है बिगनिंग। फिर बेटा सब्सक्रिप्शन एडवांस है 2,500, ये बिगनिंग क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? प्लस बिगनिंग। इसके बाद आउट स्टेशन सब्सक्रिप्शन इंड है, 31 मार्च का इंड है, 3,500 क्या हो जाता है? प्लस ऐड हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन एडवांस इंड क्या हो जाता है? 3,000 माइनस। बन गया बेटा। यही क्वेश्चन करना है कि कितना सब्सक्रिप्शन इनकम है एक्सपेंशन अकाउंट में शो करना है। तो ये माइनस करोगे 20,000 आएगा, ये भी ऐड करोगे 23,500, ये भी ऐड करोगे 26,000, या 23,000 कहाँ चल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंशन अकाउंट में। अब बैलेंस शीट कह रहा है क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाएगा? याद कर लो आप, एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड में। और आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड में। याद कीजिएगा, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे आप, और एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करोगे, ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इस प्रकार इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसको बार बार रिविजन करो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। और मुझे पूर्ण गारंटी है कि आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब मैं अगले क्वेश्चन में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।